जिला कांगड़ा के किस शराब ठेके में किस व्यक्ति ने शराब खरीदी, इसकी जानकारी अब जिला पुलिस के पास रहेगी। शराब ठेकों में सेल शीघ्र ही ऑन रिकॉर्ड होगी। नाबालिगों को नशे की लत से दूर रखने के लिए जिला प्रशासन ने ये नई मुहिम शुरू की है। पुलिस प्रशासन ने एक्साइज पॉलिसी को लागू करने वाले अबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से सभी शराब ठेका संचालकों को हर शराब ठेके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है। सीसीटीवी कैमरे न लगाने वाले शराब ठेका संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा संतोष पटियाल ने अबकारी एवं कराधान विभाग के सभी उपमंडला स्तरीय अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके उपमंडल में कोई शराब ठेका ऐसा न हो जहां सीसीटीवी कैमरे स्थापित न हों। पुलिस प्रशासन के नशे के खिलाफ छेड़े गए विशेष अभियान में यह पक्ष भी सामने आया है कि नाबालिग नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि शराब ठेकों पर शराब खरीदने वालों की उम्र पूछने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में वो रोक टोक नाबालिग शराब खरीद रहे हैं और उसका सेवन भी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक्साइज पॉलिसी को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी के तहत संबंधित अधिकारियों को शराब ठेके पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने बताया कि नशे की गरत में जा रहे युवाओं को बचाने के लिए जिला कांगड़ा पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि शराब ठेके में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, इन पर भी रोक लगाने में भी सीसीटीवी कैमरे कारगर सिद्ध होंगे। इसके लिए हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी भेजी है क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में भी इसका प्रोविजन है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसका जो है सबसे बड़ा फायदा एक्साइज वाले जो ये लाइसेंसी होगा उसको भी है ये, और सेकेंड चीज ये है कि जो कोई नथराइज आदमी वहां से शराब खरीदता है वो भी नहीं खरीद पाएगा, और तीसरी चीज ये है कि जो एक्टिविटीज वहां पे होती है कि शराब के झगड़े होते हैं कि कोई और एक्टिविटी होती है वो सब भी नहीं, उससे भी कुछ लगेगा। और साथ में जो एरिया सड़क वगैरह जो है या आसपास का जितना भी एरिया है उसकी भी वो भी सर्विलांस पे रहेगा। तो इस तरह से ना केवल एक्साइज लाइसेंसी को फायदा है बल्कि इससे जनरल पब्लिक को इसमें फायदा होना है। इस के तहत इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि इंश्योर करें कि वहां पे सीसीटीवी सारे जो वैंड्स हैं उन पे ये लगे। सर इससे क्या नाबालिग जो हैं अमूमन देखे जाते हैं कि वहां शराब लेते हैं तो इसके ऊपर भी सर कोई अंकुश लगेगा? डेफिनेटली अनऑथराइज्ड आदमी कोई भी जो नहीं खरीद सकता शराब नाबालिग है वो नहीं हो पाएगा। शराब के ठेकों में जनरली झगड़े होते हैं वो भी नहीं होंगे, अगर होंगे तो पकड़े जाएंगे लोग। और तीसरी चीज जो आसपास कोई और एक्टिविटी भी ऐसी कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी होती है केवल शराब के ठेकों में वैसे भी इनके लिए फायदे की चीज है क्योंकि अंदर कैश होता है और साथ में शराब भी है खुला भी है, तो कई बार जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको टेम्पटेशन रहती है कि इसको लूट लें कुछ और कर लें, ऐसी एक्टिविटीज भी नहीं होंगी। और कोई व्यक्ति भी कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर होता है तो भी उस सीसीटीवी में उसका भी रिकॉर्ड हो जाएगा जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ठीक रहेगा। प्रिवेंशन में भी फायदा है और इसमें बाद में कुछ हो जाता है उसके डिटेक्शन में फायदा है। थैंक यू सर।